लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon हॉल, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि विंटर स्टार्ट हो रहा है तो मैंने हुडीज मंगवाई है, स्वेटशर्ट मंगवाया है, टॉप्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे और बॉटम वेयर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग भी Amazon से विंटर कलेक्शन बाय करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम छो। मैं अपेक्षा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ Amazon हॉल। सबसे फर्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ इस हॉल में शेयर करने वाली हूँ वो मेरा फेवरेट है बोल सकते हैं, क्योंकि मैं वेट नहीं कर सकती आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो वो ही आप लोगों के साथ सबसे फर्स्ट शेयर करूंगी जो मेरा फेवरेट है। सबसे फर्स्ट मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करने जा रही हूँ वो एक हुडी है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि विंटर स्टार्ट हो रहा है, अगर मैं अपनी बात करूँ, अपनी सिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे गुजरात में नवसारी में तो हल्की हल्की ठंडियाँ पड़नी स्टार्ट भी हो गई हैं। सो मैंने विंटर कलेक्शन बहुत सारे बाय किया है Amazon से, फर्स्ट टाइम वो भी। और सबसे फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं ये हुडी है ऑरेंज कलर की, ऑरेंज भी नहीं बोल सकते, कोरल या फिर ईट कलर आप बोल सकते हैं, एकदम डार्क ईट कलर है ना, वो मैंने मंगवाया है। कुछ इस तरह की हुडी है और बहुत बहुत क्यूट है, लॉन्ग स्लीव है। और फैब्रिक की बात करूँ तो सो गुड, विंटर के लिए तो परफेक्ट है, बिल्कुल भी आप लोगों को इसमें ठंड नहीं लगने वाली है। मैं आप लोगों को अंदर से इसका फैब्रिक दिखाना चाहती हूँ, एक मिनट। सो आप लोग देख सकते हैं अंदर कुछ इस तरीके का फैब्रिक है, एकदम क्या बोलते हैं, एकदम वार्म फैब्रिक है, बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगेगी और सॉफ्ट भी है, बिल्कुल भी चुभने वाला फैब्रिक नहीं है। सो ये मेरी सबसे फर्स्ट हुडी है, इसमें मैंने अपने लिए एल साइज मंगवाई है। यस, एल साइज ट्रायल आप लोगों को यहाँ पे पास में देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। सो कुछ इस तरीके का ये फुल लुक है। अरे यार हाँ, आप लोग देख लो, और फैब्रिक बहुत अच्छा है, एकदम जैसे विंटर के लिए होना चाहिए ना ऐसा फैब्रिक है, जो एकदम थिन फैब्रिक आता है ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एकदम ठीक है, बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगेगी इसमें, राइट। कुछ इस तरह की स्लीव है और बैक साइड से भी सेम ही है, बैक साइड से भी आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का। इसमें एक बात सिर्फ मुझे अच्छी नहीं लगी, मुझे लगा था कि यहाँ पे पॉकेट मिलेगा, बट यहाँ पे पॉकेट वगैरह नहीं है, बट फिर भी लुक बहुत अच्छा आता है वेयर करने के बाद, एकदम स्टाइलिश लगता है। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ इस हॉल में शेयर करने वाली हूँ वो एक टॉप है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये टॉप है। मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक, ब्लैक कलर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे वार्डरोब में आप लोगों को ज़्यादातर ब्लैक ही कलर देखने को मिलेगा, और अभी भी मैंने ब्लैक ही वेयर किया है। सो कुछ इस तरीके का ये टॉप है, फ्लोरल टॉप आप बोल सकते हैं, पूरे टॉप में आप लोगों को इस तरह की फ्लावर प्रिंट वाली डिज़ाइन मिल जाती है। और ये इसकी फैब्रिक की बात करूँ तो कॉटन है, और इसमें अगेन मैंने अपने लिए एल साइज मंगवाई है, टॉप टी शर्ट वगैरह में मैं एल साइज ही मंगवाती हूँ, वैसे एम साइज भी मुझे फिट हो जाती है, बट टॉप वगैरह में लूज ही पहनना पसंद करती हूँ जितना हो सके इतना। बैक साइड से कुछ इस तरीके का है, और अगेन वेयर करने के बाद बहुत अच्छा लुक आता है, और इसका फैब्रिक 100% कॉटन है, बहुत अच्छा फैब्रिक है, रेयन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि रेयन फैब्रिक मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं है, मैं कपड़े वगैरह में कॉटन ही पहनना पसंद करती हूँ फैब्रिक। सो ये रहा नेक्स्ट, नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन एक टॉप है, रेड कलर का टॉप है, आप लोग देख सकते हैं, और ये विंटर के लिए परफेक्ट है, हल्की हल्की ठंडियाँ जैसे अभी स्टार्ट हो गई है ना, इसके लिए ये परफेक्ट है। कुछ रेड कलर का इस तरीके का लॉन्ग स्लीव वाला टॉप है, और स्लीव गाइस ओ माय गॉड, आप लोग स्लीव देख सकते हैं, स्लीव इसकी कितनी प्यारी है, एकदम स्टाइलिश लगता है वेयर करने के बाद, बहुत अच्छा लुक आता है, मुझे पर्सनली इसकी स्लीव बहुत पसंद आई, लॉन्ग स्लीव है। और नेक की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हैं वी शेप नेक आप लोगों को मिल जाता है, बैक साइड से अगेन इसमें भी मैंने अपने लिए एल साइज ही मंगवाई है, एल साइज जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया टॉप टी शर्ट वगैरह में मैं एल साइज मंगवाती हूँ, मुझे फिट हो जाता है थोड़ा बहुत, मतलब लूज ही मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसका नेक बहुत पसंद आया, अगेन वेयर करने के बाद बहुत स्टाइलिश लुक आता है, मैंने इसको वेयर कर लिया है। नेक्स्ट
नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक स्वेट शर्ट बोल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ये स्वेट शर्ट है। अगेन विंटर के लिए अच्छा रहेगा, अभी विंटर स्टार्ट होने वाला है तो मैंने विंटर को ध्यान में रखते हुए ही अपने लिए कपड़े परचेज किए हैं। और अमेजोन पे गाइस आप लोगों को बहुत अच्छे विंटर कलेक्शन देखने को मिलेंगे। मैंने और भी सोचा है कि नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ और विंटर हॉल अमेजोन विंटर हॉल आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आप लोग बताएगा आप लोग कौन सा हॉल पहले देखना चाहते हो, अमेजोन विंटर हॉल या फिर अमेजोन कुर्ता हॉल, क्योंकि अमेजोन कुर्ता हॉल भी आने वाला है। कुछ इस तरीके का ये स्वेट शर्ट है। और हाँ, ये क्रॉप है, मतलब क्रॉप टॉप की तरह है, आप लोग देख सकते हैं ड्राइंग में आप लोगों को पता चल जाएगा, क्रॉप टॉप की तरह है और स्वेट शर्ट है। मटेरियल की बात करूँ, फैब्रिक की बात करूँ तो 100% कॉटन है। और इसमें अगेन मैंने अपने लिए एल साइज मंगवाई है, इसके ऊपर प्राइस तो कुछ ज़्यादा ही लिखा है 799, बट डोंट वरी ये इतने का नहीं है, मुझे बहुत अच्छे डिस्काउंट के साथ मिल गया है अमेजोन पे। भाई मुझे फैब्रिक सच बताऊँ ना तो मैंने बहुत टाइम के बाद अमेजोन से शॉपिंग की है, बट जितने भी कपड़े मैंने मंगवाए ना सो गुड, कपड़े की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी रिसीव हुई है। अगर आप लोग भी अमेजोन के ऊपर विंटर कलेक्शन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बहुत अच्छी कलेक्शन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये ग्रीन कलर का है, एकदम डार्क ग्रीन होता है ना, कुछ इस तरीके का ये स्वेट शर्ट है। और मेरे बाल को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि अभी जस्ट मैं हेयर वॉश करके आई हूँ, थोड़ी देर पहले ही मैं सावर लेकर आई तो मेरे हेयर अभी गीले हैं इसलिए आप लोगों को ऐसे दिख रहे हैं, सो इसलिए इग्नोर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो एक बॉटम वेयर है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बॉटम वेयर है। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज थी क्योंकि ये मुझे कितने का पड़ा, आई थिंक इसके ऊपर तो कुछ ज़्यादा ही MRP लिखी हुई है 1999 रुपीज़, बट डोंट वरी ये मुझे बहुत सस्ते में मिल गया था, 400 या फिर 450 के आसपास अराउंड मुझे कुछ पड़ा था। बट इसकी क्वालिटी के लिए मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे अच्छा रिसीव होगा कपड़ा या नहीं, एकदम थिन मटेरियल तो नहीं होगा ना, बट गाइस बहुत अच्छा फैब्रिक मुझे रिसीव हुआ है, आप लोग खुद अच्छे से देख पा रहे होंगे, एकदम थिक मटेरियल है, बहुत अच्छा फैब्रिक है। फैब्रिक की बात करूँ तो कॉटन बोल सकते हैं और कुछ इस तरीके का ट्राउज़र या फिर पैंट, आप जो भी बोलो, पैंट भी बोल सकते हैं या फिर ट्राउज़र भी बोल सकते हैं। फ्रंट साइड से आप लोगों को कुछ इस तरीके का मिल जाता है, फ्रंट साइड से ये पूरा स्ट्रेचेबल है, यस। और इसमें मैंने अपने लिए 30 मंगवाई है साइज, आई थिंक 30 ही थी, आई एम नॉट श्योर गाइस साइज यहाँ पे मेंशन है या नहीं, साइज तो मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही, एक काम करती हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा ओके। और ये ब्रांड कॉल सिंबल अभी आप लोगों को ठीक से नहीं दिखेगा क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट कर रही हूँ ना, इसलिए ब्रांड कॉल सिंबल। और कलर की बात करूँ तो डार्क ग्रीन बोल सकते हैं, जैसे मेहंदी कलर होता है ना, एकदम डार्क मेहंदी कलर, तो ऐसा है। इस कलर का ट्राउज़र या फिर पैंट मेरे पास नहीं था और मुझे बहुत पसंद भी आ गया है तो इसलिए मैंने मंगवा लिया। और आगे इस तरह से आप लोगों को बांधने के लिए ये डोरी मिलती है तो इससे लुक बहुत स्टाइलिश आता है। इस तरीके के पैंट आजकल मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं। सो ये रहा नेक्स्ट एंड लास्ट जो मैं आप लोगों के साथ इस हॉल में शेयर करने वाली हूँ वो अगेन एक हुडी आप बोल सकते हैं, विंटर के लिए ही मैंने मंगवाया है, आप लोग देख सकते हैं मस्टर्ड येल्लो कलर का ये हुडी है, लॉन्ग स्लीव है और इसकी बात करूँ ना तो क्रॉप टॉप की तरह है, मतलब एकदम पूरी लेंथ नहीं है इसकी, क्रॉप टॉप की जितनी इसकी लेंथ है, ट्राई में आपको पता चल जाएगा जब मैं वेयर करके आप लोगों को दिखाऊंगी ना तब पता चल जाएगा। सो ये मस्टर्ड येलो कलर की ये क्या बोलते हैं हुडी है और इसके साथ आप लोगों को सेम ही कलर की कैप मिल जाती है, कुछ इस तरह की मस्टर्ड येलो कलर की ही कैप है। और इसकी भी प्राइस आप लोगों को स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। अरे यार, मैंने आप लोगों को जो फर्स्ट दिखाया था ना तो आप लोग देख सकते हैं इसकी भी कैप है, हाँ गाइस इसकी भी सेम ही ऑरेंज ईट कलर की ही ये कैप है और बहुत बड़ी है। ये दोनों की क्वालिटी की बात करूँ तो मुझे सेम ही लगी, बहुत अच्छी क्वालिटी है दोनों की। तो गाइस आप लोगों को मैं ये दो तो हाईली रिकमेंड करूँगी, अगर आप लोग भी अमेजोन से विंटर के लिए अपने लिए कुछ बाय करना चाहते हैं हुडी या फिर स्वेटशर्ट वगैरह तो इसे ज़रूर बाय कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे
रिव्यू या फिर हॉल देखकर अपने लिए कुछ बाय करते हैं, तो इसे हाईली रिकमेंड करूँगी, आप लोग इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये दोनों बहुत बहुत पसंद आया मुझे। तो चलिए यही कुछ कपड़े। अरे यार एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, रुकिए रुकिए। एक चीज़ मैंने कुछ अलग ट्राई की है अमेज़न से, फर्स्ट टाइम मंगवाई है मैंने अमेज़न से। इस बार पैंटी ट्राई की अपने लिए, फर्स्ट टाइम मैंने अमेज़न से पैंटी मंगवाई है, इसलिए मैंने एक ही मंगवाई। मैं देखना चाहती थी क्वालिटी वगैरह मुझे कैसे रिसीव होगी। सो आप लोग खुद ही देख लो गाइस, देख सकते हैं कुछ इस तरह की ब्लैक कलर की पैंटी है। और फैब्रिक क्वालिटी की बात करूँ तो 100% कॉटन है, बहुत अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। अभी मैं सोच रही हूँ कि और भी अमेज़न से पैंटी ब्रा वगैरह मंगवाऊँ। आप लोग बताइएगा, आप लोग देखना चाहते हो अमेज़न पैंटी या फिर अमेज़न ब्रा हॉल। और इसकी प्रिंट ना बहुत क्यूट है, आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की इसकी प्रिंट है। और इसकी फैब्रिक क्वालिटी आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कितनी अच्छी क्वालिटी मुझे रिसीव हुई है। सो ये थी लास्ट। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का अमेज़न हॉल पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके ही जाएगा, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइस। और जितने भी कपड़े मैंने आप लोगों के साथ इस हॉल में शेयर किया है उसकी लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपने लिए कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो लिंक के थ्रू जाकर आप लोग बाय कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ आप लोगों को बहुत जल्द नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। ख्याल रखिएगा अपना बहुत सारा, और एडवांस में हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा दिवाली को और ध्यान रख के सेफली एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय।